जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें बड़े बड़े अंडे दिखाए जाते हैं और ये अंडे होते हैं डायनासोर के। उनमें से डायनासोर का एक बच्चा अंडे से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसे अलग अलग तरह के डायनासोर देखने का काफी शौक था। उस बच्चे का एक बड़ा भाई भी होता है और उन दोनों के शौक सेम थे। उन बच्चों के पेरेंट्स छुट्टियाँ गुजारने के लिए उन्हें उनकी आंट के पास भेज देते हैं। उनकी आंट एक पार्क जिसका नाम जुरासिक वर्ल्ड था उसकी मैनेजर थी। उन बच्चों की आंट का नाम होता है क्लेयर। उस दिन क्लेयर बहुत ज्यादा बिजी होती है इसीलिए वो उन बच्चों को पिक करने के लिए अपनी एक कुलीग को भेज देती है। वो बच्चे जब अपनी आंट क्लेयर से मिलते हैं तो काफी खुश होते हैं। क्लेयर उन्हें एक पास देती है ताकि वो एंजॉय कर सके और उन्हें लाइन में न लगना पड़े। इसके बाद हमें एक जेनेटिक डॉक्टर जो कि साइंटिस्ट भी थे वो दिखाए जाते हैं। उन्होंने दो पावरफुल मिशन को कंबाइन करके एक काफी ताकतवर डायनासोर बनाया है और ये कॉम्बिनेशन विलोसी रेप्टाइल्स और टीरेक्स डायनासोर का था। और ये दोनों डायनासोर काफी पावरफुल और खतरनाक होते हैं और जो डायनासोर उन्होंने बनाया था वो इन दोनों डायनासोर से काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था। और इस न्यू डायनासोर का नाम उन्होंने रेक्स रखा था। ऐसा करने के पीछे उनका मोटिव सक्सेस हासिल करना था जिससे जुरासिक वर्ल्ड पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा और लोग यहाँ पर आएंगे जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी होगा। इसके बाद हमें जुरासिक वर्ल्ड के ऑनर दिखाए जाते हैं और मूवी में उनका नाम मिस्टर एंड मिसिज रानी है। क्लेयर उन्हें वो न्यू डायनासोर रेक्स दिखाने के लिए अपने साथ लेकर जाती है। रेक्स डायनासोर को देखकर वो लोग काफी हैरान रह जाते हैं क्योंकि केज के मिरर पर क्रैक्स आए हुए थे जो कि रेक्स ने ही किए थे क्योंकि उसने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की थी। पार्क की सिक्योरिटी को और टाइट करने के लिए वो कहते हैं कि एक्स नेवी सोल्जर ओविन को अपनी टीम में शामिल किया जाए। वो क्लेयर को ये भी बताते हैं कि ओविन को रेक्स का केज भी दिखाया जाए। वो ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि ओविन को डायनासोर के बारे में काफी नॉलेज थी और रिसेंटली वो चार खतरनाक किस्म के रैप्टर्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है। रैप्टर्स भी खतरनाक किस्म के डायनासोर में आते हैं। उनमें एक रैप्टर का नाम उसने ब्लू रखा होता है जो कि उसका फेवरेट था। फिर जुरासिक वर्ल्ड की सिक्योरिटी का लीडर ओविन के पास जाता है और वो ओविन को उनकी टीम यानी जुरासिक वर्ल्ड में शामिल होने के लिए ऑफर करता है। वो सिक्योरिटी लीडर ओविन को ये भी कहता है कि हम तुम्हारे रैप्टर्स को वॉर में यूज करना चाहते हैं क्योंकि ये रैप्टर्स वॉर में लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन ओविन इसके लिए साफ इनकार कर देता है। और तभी एक लड़का रैप्टर्स के केज में गिर जाता है। रैप्टर्स उस लड़के पर अटैक करके उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी ओविन उसे बचाने के लिए वहां पर आ जाता है। ओविन को इस बात पर बिलीव था कि उसके रैप्टर्स उस पर अटैक नहीं करेंगे। ओविन उस लड़के की जान बचाकर जल्दी से खुद भी केज से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हम बच्चों को देखते हैं जो कि पार्क में काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। वो पानी के डायनासोर को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम क्लेयर को देखते हैं जो कि ओविन के पास आती है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि क्लेयर और ओविन एक दूसरे को लाइक करते थे। क्लेयर ओविन को उस खतरनाक डायनासोर यानी रेक्स के बारे में बताती है, इसीलिए ओविन रेक्स को देखने के लिए क्लेयर के साथ वहाँ पर जाता है। लेकिन जब वो लोग उसके केज के पास पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि रेक्स तो वहाँ पर है ही नहीं। दीवार पर रेक्स के पंजों के निशान थे जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि रेक्स ने यहाँ से भागने की कोशिश की है और वो सच में भाग गया है। इसीलिए क्लेयर फौरन कंट्रोल रूम के लिए निकल पड़ती है क्योंकि उन्होंने रेक्स को एक ट्रैकर लगाया हुआ था जिसकी मदद से वो रेक्स को ट्रैक कर सकती थी। क्लेयर कंट्रोल रूम ऑफिसर्स को कॉल करती है और रेक्स के बारे में पूछती है उनसे। कंट्रोल रूम ऑफिसर्स रेक्स को ट्रैक करते हैं और वो क्लेयर को बताते हैं कि रेक्स तो अपने केज में ही है और साथ साथ वो क्लेयर को ये इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कि ओविन और कुछ वर्कर्स रेक्स के केज में चले गए हैं। ये सुनकर क्लेयर बहुत ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो कंट्रोल रूम ऑफिसर्स को कहती है कि उन लोगों को जल्दी से वहां से बाहर निकाल दो। जब ओविन और उसके वर्कर्स को ये बात पता चलती है कि रेक्स वहीं पर है तो वो भागने लगते हैं, लेकिन उन लोगों की आवाज सुनकर रेक्स भी वहां पर आ जाता है। उनमें से एक वर्कर इतना ज्यादा डर जाता है कि वो घबराहट के आलम में केज का दरवाजा ही खोल देता है और ऐसा करने के बाद वो वर्कर वहां से भाग जाता है। ओविन भी जान बचाकर वहां से भाग रहा होता है लेकिन उसके पीछे पीछे रेक्स भी सब कुछ तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। जिस वर्कर ने केज का दरवाजा खोला होता है रेक्स उसे पकड़ लेता है और खा लेता है। दूसरी तरफ हम ओविन को देखते हैं जो कि कार के नीचे छुपा हुआ होता है। ओविन अपनी बॉडी पर पेट्रोल डाल लेता है ताकि रेक्स को उसकी बॉडी की स्मेल ना आए और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। रेक्स वहां से चला जाता है। फिर ओविन बिल्कुल सही सलामत कंट्रोल रूम में आ जाता है। ओविन क्लेयर से पूछता है कि रेक्स कहां पर गया है। क्लेयर कहती है कि वो तो वहां से भाग चुका है और रेक्स भाग कर जंगल में गया है। हमारी पावरफुल फोर्स उसे पकड़ने के लिए गई है। वो रेक्स को पकड़ लेते हैं उस ट्रैकर की मदद से जो कि उसकी बॉडी पर लगा हुआ था, लेकिन रेक्स काफी तेज था और
काफी स्मार्ट भी, इसीलिए उसने पहले ही अपना ट्रैकर निकालकर फेंक दिया था। रेक्स की ये हरकत देखकर वो सब लोग काफी हैरान रह जाते हैं कि क्या कोई जानवर इतना चालाक और इतना स्मार्ट और समझदार भी हो सकता है। तभी रेक्स झाड़ियों के बीच से निकल कर आता है, यानी रेक्स काफी देर से उन लोगों पर नजर रख रहा था। फोर्स के लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेक्स एक एक करके उन्हें ही अपना शिकार बना लेता है। ये देखकर ओवेन उन लोगों को कहता है कि पार्क को जल्दी से बंद कर दिया जाए, क्योंकि रेक्स बहुत ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। लोगों की जान बचाने के लिए क्लियर पार्क का नॉर्थ एरिया ही बंद करवा देती है। नॉर्थ एरिया वो वाला एरिया जहाँ पर रेक्स था। इसके बाद हमें क्लियर के नेफ्यूज दिखाए जाते हैं जो कि पार्क में एंजॉय कर रहे थे। वो गार्डन पॉड में बैठकर डायनासोर्स को देख रहे होते हैं। तभी क्लियर अपने नेफ्यूज को कॉल करती है। वो बच्चे क्लियर को बताते हैं कि हम तो पार्क के नॉर्थ एरिया में हैं। क्लियर उन्हें कहती है कि जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल आओ, लेकिन सिग्नल खराब होने की वजह से कॉल कट जाती है। उन बच्चों को पता चलता है कि वहाँ पर राइड्स अब बंद कर दिए गए हैं, लेकिन वो तो अभी और इंजॉय करना चाहते थे। लेकिन छोटा बच्चा इस न्यूज को इग्नोर करता है और वो गार्डन पॉड को उस एरिया में ले जाता है जहाँ पर जाना अलाउड नहीं था। वहाँ पर भी डायनासोर थे लेकिन वो खतरनाक नहीं थे। लेकिन तभी वहाँ पर रेक्स आ जाता है और वो सारे डायनासोर को मार डालता है। ये देखकर वो दोनों बच्चे पैनिक हो जाते हैं और डर जाते हैं। फिर रेक्स उन बच्चों यानी उनके गार्डन पॉड पर भी अटैक कर देता है, लेकिन वो गार्डन पॉड काफी ज्यादा मजबूत था, इसीलिए कुछ देर तो वो गार्डन पॉड टूटता नहीं है। लेकिन फिर वो गार्डन पॉड टूट जाता है और दोनों बच्चे नीचे गिर जाते हैं। फिर दोनों बच्चे भागते भागते वॉटरफॉल के पास आ जाते हैं। रेक्स भी उनके पीछे पीछे वहाँ पर आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि रेक्स उन्हें अपना शिकार बनाता, दोनों बच्चे समझदारी का मुजाहिरा करते हुए पानी में कूद जाते हैं। ये देखकर रेक्स वहाँ से चला जाता है और दोनों बच्चों की जान बच जाती है। क्लेयर ओवेन के पास आती है और वो उसे बताती है कि बच्चे नॉर्थ एरिया में हैं। तब ओवेन बच्चों को बचाने के लिए क्लेयर के साथ जाता है। रास्ते में उन्हें डायनासोर की डेड बॉडीज पड़ी हुई मिलती है और इन्हें रेक्स ने मारा था। सब डायनासोर को मरा हुआ देखकर क्लेयर काफी दुखी हो जाती है। फिर वो बच्चों को बचाने के लिए उस एरिया से निकल जाती है। फिर वो जंगल में उस एरिया में जाते हैं जहाँ उन बच्चों का गार्डन पॉड था। वो देखते हैं कि गार्डन पॉड की काफी बुरी हालत है, वो पूरी तरह से टूट चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था। ये देखकर क्लेयर बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी ओवेन बच्चों के पैरों के निशान देख लेता है। ये देखकर ओवेन क्लेयर को कहता है कि तुम्हारे नेफ्यूज काफी बहादुर हैं और काफी समझदार भी, क्योंकि उन्होंने समझदारी का मुजाहिरा किया होगा और वो बच गए हैं। बच्चों के पैरों के निशानों को फॉलो करते करते वो लोग वाटरफॉल तक आ जाते हैं। ओवेन क्लेयर को कहता है कि बच्चे बिल्कुल सेफ होंगे, हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि आगे जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। लेकिन क्लेयर उसकी बात नहीं मानती, वो अपने नेफ्यूज की जान बचाने के लिए जाना चाहती थी। फिर हम क्लेयर के नेफ्यूज को देखते हैं जो कि जंगल के काफी पुराने गैराज में आ चुके थे। वो एक गाड़ी को रिपेयर करके वहाँ से भाग जाते हैं। क्लेयर और ओवेन जब गाड़ी की आवाज़ सुनते हैं तो वो लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ आकर वो ये जान पाते हैं कि बच्चे बिल्कुल सेफली यहाँ से निकल चुके हैं। वो दूसरी गाड़ी ठीक करके वहाँ से भागने का सोच ही रहे थे कि तभी वहाँ पर रेक्स आ जाता है जो उन लोगों पर अटैक कर देता है। सिक्योरिटी लीडर मिस्टर एंड मिसेज रानी को कहता है कि रेक्स को पकड़ने के लिए हमें ओवेन के रैप्टर्स को यूज करना चाहिए, लेकिन वो रैप्टर्स को पार्क में खुला छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि वो लोगों के लिए खतरा बन सकते थे, इसीलिए वो खुद रेक्स को पकड़ने के लिए जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि रेक्स क्लेयर का पीछा कर रहा है, इसीलिए वो अपने बड़े वेपन से रेक्स पर अटैक कर देते हैं, लेकिन निशाना ठीक नहीं लगता। रेक्स रेप्टाइल्स यानी उड़ने वाले डायनासोर का केज तोड़ देता है। एक रेप्टाइल मिस्टर एंड मिसेज रानी की हेलीकॉप्टर से टकरा जाते हैं, जिससे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और इस क्रैश की वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। क्लेयर को उसकी कुलीग की कॉल आती है। वो क्लेयर को बताती है कि सिक्योरिटी कैमरास की वजह से हमने बच्चों को ढूंढ लिया है, बच्चे हमारे पास हैं और बिल्कुल सेफ हैं। क्लेयर उसे कहती है कि मैं उन्हें लेने के लिए आ रही हूँ, तब तक तुम उनका ख्याल रखो, और क्लेयर ओवेन के साथ उन्हें लेने जाती है। दूसरी तरफ हम रेप्टाइल्स को देखते हैं जो कि पब्लिक में आकर लोगों पर अटैक कर देते हैं। हमें क्लेयर की कुलीग दिखाई जाती है जो कि दोनों बच्चों की जान बचा रही होती है, लेकिन तभी एक रेप्टाइल क्लेयर की कुलीग को उठाकर ले जाता है और पानी वाला डायनासोर उस रेप्टाइल और क्लेयर की कुलीग को निगल जाता है। इतनी ही देर में क्लेयर और ओवेन भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो चारों मिलकर वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हम सिक्योरिटी लीडर को देखते हैं जो कि मिस्टर और मिसेज रानी के मरने के बाद ओवेन के रैप्टर्स को यूज करने के लिए जाता है। वो रैप्टर्स पर एक मशीन सेटअप कर देता है ताकि वो उन पर नजर रख सके। जब ओवेन को ये बात पता चलती है कि उसके रैप्टर्स को यूज किया जा रहा है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सिक्योरिटी लीडर से मिलने जाता है और अपने रैप्टर्स के बारे में पूछता है। दोनों के बीच काफी बहस हो जाती है। अब क्योंकि उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए ओवेन को सिक्योरिटी लीडर की
की बात माननी ही पड़ती है। वो सब मिलकर रेक्स को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। ओविन अपने रैप्टर्स को रेक्स की स्मेल सुगाता है और उन्हें पिंजरे से आजाद कर देता है। वो रैप्टर्स जंगल की तरफ भागते हैं और वहां जाकर उन्हें रेक्स मिल जाता है। ओविन भी अपनी पूरी फोर्स के साथ वहां पर पहुंच जाता है। यहां पर हम बड़ी हैरान कर देने वाली चीज देखते हैं और वो ये कि रेक्स और वो रैप्टर्स आपस में बातें करने लगते हैं। ये देखकर ओविन समझ जाता है कि आखिर रेक्स भी तो एक रैप्टर ही है, इसीलिए वो आपस में बातें कर रहे हैं। वो लोग रेक्स पर अटैक कर देते हैं और रॉकेट बॉम्ब की वजह से वो रेक्स को इंजर्ट कर देते हैं। लेकिन रेक्स ने रैप्टर्स को बातचीत करके अपनी तरफ कर लिया होता है और अब वो रैप्टर्स रेक्स का ही साथ देते हैं। वो उस फोर्स पर अटैक कर देते हैं। क्लेयर गाड़ी में बैठी होती है और बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन जेड सोल्जर उसे कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए। इसीलिए क्लेयर फुल स्पीड में गाड़ी चलाकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर ओविन भी आ जाता है और वो क्लेयर को कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। फिर वो लोग सही सलामत कंट्रोल रूम में आ जाते हैं। सिक्योरिटी लीडर बताता है कि मैं इन चारों रैप्टर्स को वॉर में यूज करना चाहता हूँ लोगों की हेल्प करने के लिए। लेकिन तभी एक रैप्टर वहाँ पर आ जाता है और सिक्योरिटी लीडर पर अटैक कर देता है और वो उसे बुरे तरीके से मार कर खा लेता है। क्लेयर और ओविन बच्चों को लेकर बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर बाकी बचे तीनों रैप्टर्स उन्हें घेर लेते हैं। ओविन अपने फेवरेट रैप्टर ब्लू रैप्टर से बात करता है और उसके सर पर जो डिवाइस लगी होती है वो उसे भी हटा देता है और अब वो तीनों रैप्टर्स नॉर्मल हालत में आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर रेक्स भी आ जाता है। अब क्योंकि रैप्टर्स नॉर्मल हो गए थे तो वो रेक्स पर अटैक कर देते हैं। अब क्योंकि रेक्स उनसे कई ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो उन्हें एक एक करके मार गिराता है। क्लेयर का छोटा नेफ्यू कहता है कि अगर उन्हें यहाँ से बचकर भागना है तो उन्हें बिल्कुल सेम रेक्स जैसा ही डायनासोर चाहिए। ये बात सुनकर क्लेयर को एक आइडिया आता है और इसीलिए वो खतरनाक डायनासोर यानी टी रेक्स डायनासोर को वहाँ पर बुला लेती है। क्लेयर उसे फ्लेयर दिखाकर अपने पीछे लगा लेती है और टी रेक्स को अपने पीछे भगाते भगाते वो रेक्स के पास ले आती है, जहाँ पर दोनों खतरनाक किस्म के डायनासोर यानी टी रेक्स डायनासोर और रेक्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। दोनों डायनासोर के बीच जबरदस्त फाइट होती है। अब क्योंकि रेक्स ज्यादा पावरफुल था तो वो टी रेक्स डायनासोर को इंजर्ट कर देता है। तभी वहाँ पर ओविन की ब्लू रैप्टर आ जाती है जो कि रेक्स पर अटैक कर देती है। जख्मी टी रेक्स को भी मौका मिल जाता है और वो भी रेक्स पर अटैक कर देता है। तीनों के बीच बहुत बड़ी फाइट होती है। तभी पानी का डायनासोर आता है और अपनी तेज दांतों की मदद से वो रेक्स को पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए अपने साथ पानी में ले जाता है और वहाँ ले जाकर वो उसे मार डालता है। अब रेक्स का खात्मा हो चुका था और टी रेक्स भी काफी इंजर्ड हो चुका था, जिसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। ओविन ब्लू रैप्टर को इशारा करता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर क्लेयर की सिस्टर वहाँ पर आती है अपने बच्चों को लेने के लिए। वो क्लेयर को थैंक यू बोलती है कि उसने उनके बच्चों की जान बचाई और ओविन ने भी। वहाँ पर और भी इंजर्ड लोग थे जिन्हें रेप्टाइल्स ने इंजर्ड किया था। यहीं पर ही ये मूवी एंड हो जाती है।